सभी क्रिकेट फैंस जानते हैं कि साल 2018 के बाद एक भी एशिया कप का आयोजन नहीं किया गया। ऐसे में बहुत से फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर एशिया कप कब खेला जाएगा। तो इस टूर्नामेंट को कंफर्म कर दिया गया है, अगला एशिया कप 2022 में ही होगा, यानी कि इसी साल होने वाला है। हम आपको ये भी बता दें कि न तो ये एशिया कप भारत में होगा न ही पाकिस्तान में होगा, बल्कि इसकी होस्टिंग श्रीलंका करने वाला है। आखिरी एशिया कप 2018 में खेला गया और हर दो साल के अंतराल में एक एशिया कप का आयोजन होता है। 2018 के बाद में एशिया कप का आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उसे टाल दिया गया। अब चूंकि हर दो साल के अंतराल में एक एशिया कप होता है, इसीलिए 2022 का एशिया कप पहले से ही तय था कि 2022 में होगा, लेकिन अब जो 2020 में होने वाला था वो 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि 2022 में भी एशिया कप देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा 2023 के अंदर भी। हम ये भी कह सकते हैं कि 2024 में भी पहले से ही तय है एशिया कप, यानी कि 22, 23 और 24 लगातार तीन एशिया कप आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ ओडीआई फॉर्मेट में तो कुछ टी20 फॉर्मेट में भी। जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भी खेला गया और 2022 में भी खेला जाएगा। लेकिन आखिर ये एशिया कप कब शुरू होने वाला है, आइए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारत एशिया कप के लिए अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी उतार सकता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साल 1984 से लेकर 2018 तक 14 बार एशिया कप का आयोजन किया गया है। एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत ही है। भारत ने 7 बार एशिया कप को जीतने का कारनामा किया है। आखिरी बार भारत ने साल 2018 में बांग्लादेश को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। भारत के बाद श्रीलंका ने इस खिताब को 2 बार अपने नाम करने में कामयाब रही है, जबकि पाकिस्तान अब तक सिर्फ 2 ही दफा एशिया कप जीतने में सफल रही है। एशिया कप 2022 किस देश में खेला जाएगा, तो इसकी जानकारी एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग की तरफ से बताया गया है कि श्रीलंका में होने वाले एशिया कप 2022 के शेड्यूल के अनुसार एशिया कप में कुल 6 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग क्रिकेट टीम की भी बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले एशिया कप को राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसका मतलब यह है कि एक बार फिर फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 प्रारूप में भी भिड़ंत देखने को मिल सकती है। यानी कि एशिया कप 2020 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप में सभी टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी नामक 2 ग्रुप बनाए जाएंगे और तीनों टीमों को उसमें डिवाइड किया जाएगा। प्रत्येक ग्रुप की टॉप 2 टीमें रैंकिंग में रहेंगी, इसीलिए वो सेमीफाइनल में जाएंगी और फिर फाइनल का भिड़ंत देखने को मिलेगा। अब अगर एक ग्रुप में भारत और पाकिस्तान होते हैं तो भी मुकाबला होगा, और अगर एक ग्रुप में नहीं होते हैं तो ये दोनों टीमें टॉप 2 में तो आती है, कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिलेगा एशिया कप के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये एशिया कप कब आयोजित किया जाएगा, क्योंकि भारतीय शेड्यूल के अनुसार भारतीय टीम को 18 मार्च तक तो भारत का शेड्यूल फिक्स है, जहां पर वो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के साथ खेलेंगी, लेकिन उसके बाद भारत आईपीएल की ओर अग्रसर करेगा। आईपीएल के तुरंत बाद 9 जून से शुरू हो रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका का दौरा, बाद जुलाई में भारत इंग्लैंड का भी दौरा करने वाला है। तो चूंकि यहां पर टीम इंडिया के पास टाइम जुलाई तक तो नहीं है, उसके बाद सितंबर में आयोजित किया जाएगा, और चूंकि अक्टूबर नवंबर में तो टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भी कराया जाएगा, यानी कि ये अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित कराया जाएगा। यहाँ पर टीम इंडिया का स्लॉट भी खाली है, इसका मतलब एशिया कप की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन आपको क्या लगता है एशिया कप के बारे में, इस बार भारतीय टीम में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।